नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती वर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपक ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नया वीडियो लेकर। और दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अडेनियम की हम फरवरी में अभी कौन सा काम करें, कौन सा केयर करें ताकि समर में, पूरे समर में हमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो और बहुत ही अच्छा हेल्दी प्लांट हमारा बने। तो चलिए दोस्तों, आज उसी विषय पर मैं आज आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगी और कुछ बातें शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहे लास्ट तक के और पूरा वीडियो मेरा वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हमें कौन कौन से काम करना चाहिए। तो चलिए, और एक झलक मेरे गार्डन की कि क्या क्या चल रहा है हमारे गार्डन में। तो दोस्तों, ये देखिए, इधर पूरे फ्लॉक्स के प्लांट रखे हुए हैं, अब फूल भी स्पेंड हो रहे हैं इनके। और इधर भी विंटर के मेरे रखे हुए हैं सारे प्लांट्स। और पानी की भी अब कमी हो गई है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है बारिश हुए जिसको, और तेज़ धूप होती है मेरी छत पे। तो दोस्तों, बहुत ही तेज़ धूप होती है, इसी कारण मेरे पानी भी बहुत जल्दी सूख जाता है मेरे प्लांट्स के गमलों का, और धूप भी बहुत आती है। तो ये देखिए, इस प्रकार चल रहा है हमारा गार्डन। और उधर पिटूनिया रखी है, अब मैं इनमें कल पानी डालूंगी और पानी के साथ ही मैं इसमें फंजीसाइड का स्प्रे करूंगी क्योंकि बारिश के बाद में फंजीसाइड का स्प्रे बहुत ज़रूरी है करना दोस्तों। तो ये काम मैं कल करूँगी। और इस छत पे भी मेरा काम जोरों शोरों से चल रहा है क्योंकि यही समय होता है जो हमारे समर सीजन के जो प्लांट होते हैं उनकी रिपोर्टिंग करना, क्योंकि फिर ज़्यादा गर्मी आ जाएगी तो उस समय हम रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी हमारे जनवरी फरवरी में सारे काम करना होता है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सीडलिंग भी लगाना, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम टॉपिक पर आ जाते हैं और ले चलते हैं। कुछ कटिंग भी लगाना रहता है वो भी हम लगाते हैं। तो मैं बस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या चल रहा है गार्डन में। तो चलिए दोस्तों, अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने अडेनियम से मिलवा देती हूँ कि ये दोस्तों, ये मेरे सारे अडेनियम हैं और सारे लगभग सभी फूल पर है, सभी ब्लूमिंग कर रहे हैं फूल। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि मैंने जो ऑनलाइन परचेस किए थे उनमें भी फ्लावरिंग हो रही है। ये देखिए, सारे गुच्छों में ये फ्लावरिंग हो रही है, और इस वाले में तो फ्लावरिंग हो के ख़त्म भी हो गई है। इसमें भी ये देखिए, सूख गए हैं ये ऑनलाइन मैंने लेके आई थी और रिपोर्टिंग का भी वीडियो बनाया था मैंने। और ये मैंने 10 लेके आई थी दोस्तों, तो 10 मुझे 1200 के मिले थे, समथिंग याद नहीं मुझे सही से, लेकिन इतना ही मिले थे 1100 या 1200 का। और उसमें से 8 बचे हैं और 2 मर गए हैं बारिश के समय में। तो ये मैं बारिश के पहले लेके आई थी। और इसी में देखिए, ये रोसमोस भी बहुत ही अच्छे से खिल रहा है। ये देखिए, मेरी पूरी जनवरी में रोसमोस खिले हैं, ये वाइट कलर के, और उग भी गए हैं। ये देखिए, इसमें भी बहुत सारे फूल खिले थे, डेली फूल खिलते थे, तो मेरे ये रोसमोस भी हो रहे हैं। और फिर दोस्तों, ये देखिए, ये मेरे दूसरे वाले हैं जो देसी वाले भी हैं, मदर प्लांट है ये देखिए इसका ये। तो चलिए दोस्तों, अब हम केयरिंग पे बात कर लेते हैं। और ये मेरी सीडलिंग है, ये मैंने बारिश के समय लगाई थी, तो ये लगभग काफ़ी टाइम हो गए हैं। तो बताती हूँ मैं कि सबसे पहले आपको क्या काम करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने अडेनियम को चेक कीजिएगा क्योंकि सर्दी भर हम बचा के रखे हैं, अच्छे से धूप भी नहीं मिली है सर्दी में। तो हम पहले ये देखेंगे कि हमारे प्लांटों में फंगस तो नहीं लगी। सबसे पहले बात ये है कि आप चेक कीजिएगा कि जैसे हमारा ये प्लांट है, ये देखिए,
इसमें तो फंगस लग चुकी है, इसलिए ये बाहर और सारे प्लांट के कोडेक्स आप चेक कीजिएगा कि ऐसे पकड़ के स्टेम कहीं काली तो नहीं है, कहीं ख़राब तो नहीं है। तो दोस्तों अगर ख़राब हो, जैसे मेरा ये देखिए ये वाला प्लांट यहाँ से ख़राब हो रहा है, और ये मुझे ऐसा लग रहा कि अंदर से ख़राब हो रहा है, ये देखिए पीछे तक के आ गए, बाकी नीचे जड़ में तो कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहला काम आप ये कीजिएगा कि जैसी फंगस लगती है तो वैसे ही आप इसको मिट्टी में से निकाल के बाहर रख दीजिए, मिट्टी में से निकाल के बाहर रख दीजिए। और क्योंकि मिट्टी में पानी रहता है तो बिल्कुल तुरंत जैसी देखो आप वैसी बाहर निकाल दो, और जहाँ से ख़राब हो तो वहाँ से कट करके हटा दो, और वहाँ पर आप फंजीसाइड का पाउडर लगा दो, ऐसा काम कर लो। और इसको धूप में ही रखो दोस्तों, रिपोर्ट मत करो, 4-5 दिन ही बिल्कुल इसको ऐसे ही नीचे रखो, कहीं धूप वाली जगह में रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। मुझे तो खैर ये तो मैं ठीक कर लूँगी क्योंकि जड़ में इसके बिल्कुल नहीं है, बस खाली थोड़ा सा ये है। तो आप कैंची कटर से जिस भी इससे मैं करके और सही से इसके फंजीसाइड का यूज़ करूँगी, फंजीसाइड का आप बहुत यूज़ कीजिएगा, काट के और तुरंत लगा दीजिएगा। और फिर आप दूसरा काम क्या कीजिएगा दोस्तों कि आप रिपोर्टिंग कीजिएगा। रिपोर्टिंग का बहुत ही अच्छा समय है, ग्रोथ है, होती है इस समय, ग्रोइंग पीरियड होता है, और हमारे ये समर सीजन के प्लांट है तो इसमें बहुत ही अच्छे से, क्योंकि या तो हम बारिश में करते हैं लेकिन अडेनियम को हम बारिश में नहीं करते हैं। तो जैसे हमारा पॉट छोटा है तो ये देखिए इसका कोडेक्स बहुत बड़ा है और ये छोटा है हमारा ये पॉट। तो दोस्तों इसको मैं निकाल के यहाँ से, क्योंकि इसका तो नहीं है, इसका ठीक है लेकिन इसका बड़ा है, इसको मैं निकाल के और ये बड़ी वाली ये डलिया में रखूँगी। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो जितनी भी डलिया है सीमेंट की, ये सारी मैंने बनाई है, ये देखिए ये सारी मैंने बनाई है डलिया, अपने हाथों से सीमेंटेड डलिया बनाई है, तो मैं इसमें रिपोर्ट कर दूँगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी सीडलिंग तैयार है और आपने लगा के 5-6 महीने हो गए आपकी सीडलिंग को, तो जैसे ये देखिए इनका कोडेक्स कितना अच्छा है, और अब मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। और दोस्तों अगर हम सीडलिंग करते हैं तो तुरंत अगर आप हम 2-3 महीने में अगर हम रिपोर्ट कर देते हैं ना पॉट में, तो उसका कोडेक्स नहीं बनता, ये एक ख़ास बात है। अगर ये मेरे साल भर के हो गए लगभग, तो पिछली बारिश में मैंने लगाए थे, तो अब सही समय है इसका, मैं रिपोर्ट करूँगी, इसको पॉट दूँगी। और फिर दोस्तों अगला काम आप कीजिएगा कि आपने रिपोर्टिंग कीजिए कर लिए, उसके बाद में आप अगर आपको कटिंग लगाना है तो आप कटिंग लगा सकते हैं। जैसे ये लंबी लंबी सी ये मेरी सारी कटिंग है, लेकिन अब मैं इसकी कट कर दूंगी, यहाँ से पहले भी मैंने किया था लेकिन ये बहुत बड़ी हो गई, इसको मैं यहाँ से कटिंग कर दूंगी। और फिर आप प्रूनिंग कीजिएगा, प्रूनिंग करके यहाँ से जैसे आप कर दीजिए, कोई भी शार्प कटर लेके अच्छे से शार्प कटर, और उसको ट्रिंचर से या फंजीसाइड से अच्छे से साफ करके फिर आप यूज़ कीजिएगा। जैसे मैंने ये कट कर दिया है, आप प्रूनिंग ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा समय है कि हम प्रूनिंग कटाई छटाई ये भी कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा कि ये समय बहुत ही अच्छा है, तो हम छोटी थोड़ी थोड़ी सी हम सारे प्लांटों की प्रूनिंग कर देंगे तो प्लांट हमारा घना होगा। ये देखिए इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी बीच में से, तो ये देखिए कितने अच्छे से हो रहा है, ये भी मेरी कटिंग है, ये देखिए ये 2-2, 4-4 स्टेम आई है इसमें से। तो फिर आप इसमें से, ये सीज़न बहुत अच्छी है, आप प्रूनिंग कर दीजिए, प्रूनिंग करने के बाद में आप कटिंग लगा लीजिए। ये जो कटिंग है इसको फेंकिए नहीं, इसको आप सैंडी मिट्टी में, खाली रेत में लगा सकते हैं, या 50-50% दोनों चीज़ कर सकते हैं कि सेंड मिला लीजिए और मिट्टी मिला लीजिए। ऐसी मिट्टी में आप या तो पूरी रेत में आप कटिंग लगाओगे तो बहुत ही अच्छे से कटिंग हमारी सर्वाइव हो जाएगी। और दोस्तों ये जो हमने काटा है इसमें आप फंजीसाइड ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, या तो आप घोल लीजिए, तो घोल के कोई भी ब्रश से इसमें लगा दीजिए, और या तो आप इस प्रकार ये जो कटिंग है इसको भी अच्छे से डीप करके और इसमें लगा दीजिए। मेरे पास अभी नहीं है तो मैं इसी से लगा रही हूँ, ये देखिए आसानी से लग गई है ये भी।
और इसके बाद में आप सूखा पाउडर लगा दीजिए। सूखा पाउडर लगाने से ज़्यादा सही रहता है, गीला नहीं लगाना चाहिए वैसे तो। तो कटिंग में आप गीला लगा सकते हैं इस प्रकार, ऐसे फंजीसाइड में डबा करके, और आप इस प्रकार इतनी आप कटिंग गड़ा देंगे, तो ये काम कीजिए। और फिर उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में आप जो भी प्लांट है, जो हमारे पहले के भी प्लांट है, तो आप इसमें गुड़ाई कर दीजिएगा। गुड़ाई करने के लिए बहुत ही अच्छा है, और गुड़ाई आप प्लांट की जड़ बचाकर ही करिएगा। इस प्रकार आसपास से गुड़ाई करके, और आप इसमें गोबर खाद ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि अब फूल लेने का समय है दोस्तों। अगर अभी हम फर्टिलाइज़र अगर हम इसमें मिला देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। या तो आप बर्मी कंपोस्ट मिला दो, या गोबर खाद मिला दो इसमें। हर पॉट में, छोटे छोटे ही पॉट होते हैं, बड़े पॉट में नहीं लगाना चाहिए कभी भी, अडेनियम को छोटे पॉट देना चाहिए। तो आप 2-3 मुट्ठी आप गोबर खाद का यूज़ कर सकते हैं गुड़ाई करके। गुड़ाई जब ही करिएगा जब आपकी मिट्टी बिल्कुल सूखी है। ये देखिए मेरी मिट्टी सूखी है, अब मैं गुड़ाई करके और इसमें कल पानी डाल दूँगी। और फिर दोस्तों, फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, बहुत ज़रूरी काम है, वो ज़रूरी करना चाहिए कि ये हमने गोबर खाद दे दिए, गुड़ाई कर दिया, सब कर दिया, फिर आप सारे प्लांटों में फंजीसाइड का यूज़ कीजिएगा। आप कोई भी, जैसे ये साफ है, सफल आता है, साफ आता है, ट्राइकोडर्मा आता है, ये पाउडर आप 1 लीटर पानी में आधी चम्मच ये पाउडर घोल के, फंजीसाइड पाउडर घोल के, और सारे प्लांटों में अच्छे से पूरी पत्तियां गीली होते तक के आप फंजीसाइड का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि हमें फंगस से बचाना है, इसलिए आप फंजीसाइड का स्प्रे। वैसे भी हम हर 15-20 दिन में फंजीसाइड का उपयोग करते हैं, और अभी बीच में सभी जगह, सारे जगह में बारिश हो गई है, तो फिर हमें बारिश से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि फंजीसाइड का यूज़ कीजिए। तो दोस्तों, सारे प्लांटों में आप फंजीसाइड का यूज़ कीजिएगा, और ये आप ध्यान रखिएगा कि फंजीसाइड का यूज़ तभी कीजिएगा कि आप देख लीजिए कि आपने पानी कब डाला है, उसके आप 4-5 दिन बाद में डालिए, क्योंकि गीले गीले में फंगस रिएक्ट करती है, फंगस होती है। इसलिए आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि फंजीसाइड का, क्योंकि पानी में हम घोल के डालते हैं, तो आप थोड़ा सा गेप करके, जैसे आपने पानी डाला है उसके 4-5 दिन बाद में फिर फंजीसाइड का, क्योंकि वैसे भी गीला होना है, तो गीला तो हो ही जाता है मिट्टी। तो आप ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि पानी में अगर गीला हो आपकी मिट्टी, गमले की मिट्टी। और दोस्तों, मिट्टी बनाने के लिए मैं बताऊं, मिट्टी आपको पोरस बनाना है, आपको कम से कम 70% आपको सेंड मिलाना है, या 60% सेंड मिलाना है, और 30% आप गार्डन सोइल ले लीजिए, और उसके बाद में आप नीम खली का यूज़ कर दीजिए, और बोन मिल, अगर 1-2 मुट्ठी बोन मिल हो तो बहुत ही अच्छे। अडेनियम के लिए बोन मिल बहुत ही अच्छा स्रोत है, और बहुत ही अच्छे फूल आएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार आप केयर करोगे तो गर्मी में पूरे अडेनियम में हमारे इतने फूल आएंगे कि हम संभाल नहीं पाएंगे, और हमारे प्लांट भी बुशी होंगे और हेल्दी होंगे। तो आप ये जो भी मैंने काम बताया, ये सारे काम अभी कर सकते हैं, तो हम हमारे प्लांट की केयरिंग अगर पहले से ही कर लेंगे तो हमारे प्लांट बहुत ही अच्छे से चलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।